हेलो गाइस, तो आज है 9 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर की करंट अफेयर्स वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 विधायक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में 5 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोन्स और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, वे किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, वे अमेरिका देश के हैं। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT का पहला विदेश परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुबई में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT का पहला विदेश परिसर दुबई में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है? तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने LIC के हिस्सेदारी में 4.05 से बढ़ाकर 7.10% कर ली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में गिरावट आई है। फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में गिरावट आई है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 77वें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में महाराष्ट्र में बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारम्भ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गया। गया में हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर ऑप्शन ए सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम सशक्त सक्षम आत्मनिर्भर था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। हाल ही में मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर
न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन मुंबई में किया है। अगला प्रश्न, NCERT ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेजन। ऑप्शन सी अमेजन। NCERT ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए अमेजन कंपनी के साथ हाथ मिलाया है।